किसानों ने ठान लिया है कि वो अपनी मांग मनवाए बगैर घर वापस नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार उनके इस आंदोलन की ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। किसान अब अपने आंदोलन को पूरे देश में पहुंचा रहे हैं। साइकिल रैली की तैयारी भी हो चुकी है जो देश के 20 राज्यों से गुजरेगी। किसानों की रणनीति साफ है, सरकार पर तब तक दबाव बनाए रखा जाएगा जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती। तो आज क्या रहा किसानों के आंदोलन का हाल, देखिए ये रिपोर्ट। किसान अपनी मांग से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन सरकार भी अपने रुख पर कायम है। ऐसे में किसान अब दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में किसानों ने सरकार का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए अपनी रणनीतियों में बदलाव करना शुरू कर दिया है, जिसके मद्देनजर किसान अब सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में महापंचायतें कर रहे हैं। वहीं आज किसान नेता राकेश टिकैत ने भी राजस्थान के झुंझुनू में महापंचायत की। इसके साथ ही किसानों ने साइकिल यात्रा तक निकालने की योजना बना ली है। किसानों के इस आंदोलन को विपक्ष भी लगातार समर्थन दे रहा है, जिसके चलते आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी किसानों के समर्थन में आवाज उठाते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, जो देश को अन्न देता रहा है अब वो किसान हक लेकर रहेगा। कृषि विरोधी देश विरोधी कानून वापस लो। सरकार इन दिनों चुनावी राज्यों में जुटी हुई है, तो वहीं इसी बीच आज किसानों के धरना स्थल गाजीपुर बॉर्डर को यातायात के लिए खोला भी गया था, जिसे 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हुए हंगामे के बाद से ही बंद कर दिया गया था, लेकिन इसे थोड़ी देर बाद ही दोबारा बंद कर दिया गया। ऐसे में अब किसानों को थोड़ी उम्मीद है कि सरकार शायद किसानों की मांग को सुनेगी, लेकिन तब तक किसान लगातार सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।